हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर को तुलनात्मक शासन एवं राजनीति सेमेस्टर थर्ड का यूनिट थर्ड। अभी तक हम यूनिट वन यूनिट टू जो है हम क्लियर कर चुके हैं, तो यूनिट थर्ड जो है आपका वो है आपका संस्थात्मक और अभ्यासात्मक शासन प्रणाली के बारे में। ठीक है, इनके बीच में क्या अंतर है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अंतर जो है वो क्या, कार्यपालिका के आधार पर संस्थात्मक शासन संस्थात्मक शासन में कार्यपालिका का रूप दोहरा होता है और एक नाम मात्र की तरह दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। पहले को राजाध्यक्ष तथा दूसरे को शासनाध्यक्ष कहते हैं, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन में राजा राज करता है, शासन नहीं करता, और भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन का राजा रानी नाम मात्र के और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति है, आपको पता होगा कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके पास में नाम मात्र की शक्ति होती है। ठीक है, नाम मात्र की शक्ति होती है, और बाकी का सारा वास्तविक जो कार्यपालिका है वो किसके हाथ में है, वो हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में और मंत्रिपरिषद के। ठीक है, इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका एकल होती है और कार्यपालिका की शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है। ठीक है, अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण इसमें दिया गया है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो क्या दिया गया है, वो है हमारा कार्यकाल के आधार पर क्या अंतर है। कार्यकाल के आधार पर क्या अंतर है, संस्थात्मक शासन में वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और व्यवस्थापिका किसी भी समय अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को पदच्युत कर सकती है, और एक निश्चित अवधि से पहले व्यवस्थापिका का विश्वास खो देने पर मंत्री परिषद को अपने पद से हटना पड़ता है। किंतु अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्यपालिका का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित होता है और समय से पूर्व उसे हटाना कठिन है, यानी कि राष्ट्रपति को। तीसरा पॉइंट है हमारा इसके अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर अंतर। तो संस्थात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में जो है वो निरंतर घनिष्ठ संबंध होते हैं, घनिष्ठ मतलब होते हैं पक्के। ठीक है, और निम्न सदन के अंदर बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और वहीं व्यवस्थापिका में भी अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। तो ये हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होता है तथा व्यवस्थापिका का मंत्रियों पर नियंत्रण रहता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और शक्ति जो है वो पृथककरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें कार्यपालिका का निर्माण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, कार्यपालिका राष्ट्रपति और उसके सचिव व्यवस्थापिका का पूर्ण पृथककरण होता है, और कार्यपालिका के सदैव व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते, और व्यवस्थापिका का जो भी है कार्यपालिका पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। नंबर फोर, उत्तरदायित्व के आधार पर अंतर। अब उत्तरदायित्व के आधार पर अंतर बताया गया कि संस्थात्मक शासन में क्या होता है कि वास्तविक कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर या फिर काम रोको प्रस्ताव आदि विभिन्न उपकरणों पर द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अपने प्रत्येक कार्य के लिए मंत्रियों का सदन के प्रति उत्तरदायित्व होता है, और इसलिए इसे उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। और इसके विपरीत जो अगर हम बात करें, दूसरा जो अध्यक्षात्मक जो है वो क्या है, उसमें शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, और ना ही उसे अपने कार्यों के निष्पादन के लिए व्यवस्थापिका के विश्वास की आवश्यकता होती है। नंबर फाइव, शासन की शक्तियों के आधार पर अंतर। तो दोनों के शासन की जो शक्तियां हैं उनका आधार बिल्कुल अलग है। संस्थात्मक शासन का आधार जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका शक्ति का संयोजन है, दोनों का मिला जुला है। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे के सहयोग से मिलकर कार्य करती है, और जबकि अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है कि जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है इसके मध्य शक्ति पृथककरण हो, यानी कि अलग अलग टूटी टूटी, ठीक है, अलग अलग होती है। नंबर सिक्स, मंत्रियों की स्थिति के आधार पर अंतर। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मंत्रियों की स्थिति भी अलग अलग होती है। संस्थात्मक शासन के अंदर क्या होता है कि जो मंत्री है उनकी स्थिति उच्च स्तर की मानी जाती है, और विभागों के सर्वसरा होते हैं और कानून निर्माण के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किंतु अध्यक्षात्मक शासन में मंत्री नए विभागीय सचिव होते हैं और वे राष्ट्रपति के अधीन रहकर कार्य करते हैं। नंबर सेवन, परिवर्तन के आधार पर अंतर। संस्थात्मक शासन में समय अनुसार सरकार में परिवर्तन किया जा सकता है, और संकट काल में व्यवस्था अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। संकट काल में भी बिना निर्वाचन प्रधानमंत्री को बदला जा सकता है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया था बिना किसी निर्वाचन के, कोई निर्वाचन उस समय नहीं हुआ था। और अध्यक्षात्मक शासन कठोर है और इसमें समय अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित होता है। उसके बाद आता है हमारा नंबर एट, इसमें बताया गया है सरकार में दलीय स्थिति के आधार पर अंतर। संस्थात्मक शासन में जिस राजनीतिक दल का व्यवस्थापिका में बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है,
परंतु कभी कभी किसी एक राजनीतिक दल का बहुमत ना मिलने की स्थिति में समान विचारधारा वाले अन्य राजनीतिक दलों को सम्मिलित कर मिले जुले मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। और संसदात्मक शासन की इसी विशेषता को राजनीतिक सजातीयता कहा जाता है, और जबकि अध्यक्षात्मक शासन में राजनीतिक सजातीयता का अभाव रहता है। राष्ट्रपति किसी भी योग्य व्यक्ति को बिना दलीय आधार के सचिव के पद पर नियुक्त कर सकता है, और इस प्रकार संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पूर्णतः एक दूसरे के विपरीत है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और अब आपको क्या करना है, इस वीडियो का जो लिंक है वो आपका पीडीएफ के थ्रू, पीडीएफ जो है आपको इसके लिंक, यानी कि इसका जो पीडीएफ का लिंक होगा वो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।